हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमारा प्लान बना चिकन लिट्टी का बिहारी स्टाइल। तो आज का व्लॉग चिकन लिट्टी पे ही है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सत्तू ले लिया है, चना के सत्तू है, और हमने ग्राइंड करने के लिए लहसुन, मिर्चा, हरा मिर्चा और कुछ अदरक के टुकड़े डाल दिए हैं। और अब हम सत्तू में डाल देंगे जवाइन, मंगरेल, और टेस्ट के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी ऐड किया है। और ये मैंने जो लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का ग्राइंड किया था वो डाल रही हूँ। अब मैं इसमें नींबू डाल दे रही हूँ। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। थोड़ा सा सरसों ऑयल डालेंगे, फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का पानी डाल के भी थोड़ा सा इसको अच्छे से मिला लेंगे। और फिर मैंने आटा गूंद के रख लिया था पहले से, और हम ऐसे करके लिट्टी बना लेंगे सारे। अब मेरे सारे लिट्टी बन के रेडी हो गया है, तो मैंने गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है और उसमें तेल डाल दिया है। और तेल गरम होने के बाद मैंने एक एक करके सारे लिट्टी डाल दिए। लिट्टी को हम उलट पलट के अच्छे से तल लेंगे। और देखिए, मैंने पलट दिया है लिट्टी को, और जब तक मेरा लिट्टी तल रहा है तब तक हम चिकन बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं पहले मसाला रेडी कर लूँगी। तो सबसे पहले इसमें जाएगा जीरा, फिर काली मिर्च, फिर मैं डालूँगी एक चम्मच सौंफ, अब मैं डालूँगी हल्दी, अब इसमें जाएगा दो चम्मच इतना खड़े धनिया, और मैं कुछ लहसुन डाल दूंगी, और मैं कुछ लहसुन डालूंगी प्याज के साथ। तो चलिए अब हम चिकन बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज कट कर लिया है और कुछ खड़े मसाला रख लिया है, साइड में चिकन वॉश करके भी रख लिया है, और कढ़ाई चढ़ा के इसमें तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। जब तक कढ़ाई गरम होता है तब तक हम बाकी के मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने डाला जैक फ्रूट, अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और ये गरम मसाला मैं बाद में ऐड करूँगी, ये चिकन मसाला और ये कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें बाद में ऐड कर लूँगी इसको ग्राइंड करके। अब मेरा तेल गरम हो गया है, तो सबसे पहले हम खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसाले में मैंने लिया था जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, तेज़पत्ते और दो लौंग, और सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च कुछ। अब हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे और गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को अच्छे से और फ्राई करते हैं, तब तक हम मसाले पीस लेते हैं। प्याज अब फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चिकन। चिकन ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ, और फिर हम इसको कवर कर देंगे। बीच में हम कवर हटा के चिकन को चेक करते रहेंगे कि हमारा चिकन कितना पक चुका है। तो देखिए, अभी मेरा चिकन और भी पकेगा, इसको हम और भूजेंगे तो पूरी तरह से गोल्डन कलर में ना हो जाए। देखिए, अब मेरा चिकन पूरा गोल्डन कलर में आ गया है। तो अब हम मसाले में ऐड करेंगे एक चम्मच गरम मसाला,
और कश्मीरी लाल मिर्च, अब हम मसाले को चिकन में डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, देखिए हमारा मसाला कुछ हद तक पक गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन मसाला और कुछ टाइम तक इसको पकने देंगे। अब हमारा चिकन एकदम से रेडी हो गया है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके कुछ टाइम के लिए और पका लेंगे। देखिए हमारा चिकन कितना टेस्टी दिख रहा है। तो अब हमारा चिकन रेडी हो चुका है और ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो चलिए अब हम बिहारी स्टाइल चिकन लिट्टी की थाली लगाते हैं। तो अब सबसे पहले हम लिट्टी को ऐसे तोड़ लेंगे एक थाली में, और फिर इसके ऊपर डालेंगे चिकन और इसको प्याज और नींबू से सजा लेंगे। और ऐसे हमारी बिहारी स्टाइल चिकन लिट्टी रेडी होती है। तो आप भी ऐसे बनाइए चिकन लिट्टी और खाइए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका चिकन लिट्टी कैसा बना था। हमारा तो बहुत टेस्टी बना था। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।